हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जेन वाई द सीरीज 2 के एपिसोड 5 का पार्ट 1। रिसेंटली मेरे घर में फंक्शन था, उसके बाद मुझे आई इन्फेक्शन हो गया। इसकी वजह से वीडियो बनाने के बीच में इतना गैप आ गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें टोंग को दिखाया जाता है। टोंग पोक के घर से अपना सारा सामान पैक करके क्ले के घर आ गया होता है। क्ले उससे कहता है कि तुम अपना बैग अनपैक क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कि तुम कोई ट्रिप पर आए हो। लेकिन टोंग अपने ही ख्यालों में खोया होता है। क्ले उससे बोलता है कि क्या मैं खुद ही तुम्हारा बैग अनपैक कर दूँ। इस पर टोंग बोलता है कि रहने दो, उसका क्या फ़ायदा जब तुम एक दिन मुझे घर से बाहर ही निकाल दोगे। टोंग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ ये सब बोल रहा होता है। उसे बिल्कुल होश नहीं होता कि वो किससे बात कर रहा है। क्ले उससे कहता है कि टोंग, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा, आई प्रॉमिस। टोंग उससे बोलता है कि तुमने हाल ही में जो वादा किया था उसे भूल गए, तो फिर तुम ये भी जल्दी भूल जाओगे। क्ले समझ जाता है कि टोंग बिल्कुल भी होश में नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। वो उससे बोलता है कि टोंग, ये मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंड क्ले। तब टोंग उससे बोलता है कि ओह आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा भटक गया था। क्ले उसका बैग अनपैक करने लगता है। इसी दौरान उसे पोक की शर्ट मिलती है। वो समझ जाता है कि ये शर्ट पोक की है। वो टोंग से पूछता है कि क्या ये शर्ट तुम्हारी है। टोंग शर्ट को देखते ही पहचान जाता है कि ये पोक की शर्ट है। वो उसे अपने हाथों में लेकर देखने लगता है। उस शर्ट के कॉर्नर पर पी लिखा होता है। टोंग पोक को याद करते हुए रोने लगता है क्योंकि उसने घर से बाहर निकाल दिया था। टोंग क्ले को शर्ट वापस कर देता है और बोलता है कि ये मेरा नहीं है, कि जिसका भी है प्लीज़ उसको वापस कर देना। वहीं इधर हम पोक को देखते हैं। पोक का हाल भी टोंग की तरह ही होता है। वो टोंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो अपने घर में जहाँ भी जाता है उसे टोंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। उसकी आंखें भर आती हैं, पर फिर उसे याद आता है कि आखिरकार उसी ने तो टोंग को अपने घर से बाहर निकाला है। टोंग यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने यूनिफॉर्म को ढूंढ रहा होता है। वो अलमारी में अपने शर्ट को ढूंढ रहा होता है, पर उसे शर्ट कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर उसे याद आता है कि वो शर्ट तो टोंग के पास है। फिर वो अपना बैग उठाकर यूनिवर्सिटी चला जाता है। यूनिवर्सिटी आने के बाद वो स्विमिंग पूल वाले एरिया में जाकर अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि उसे कैसे भी किसी भी हाल में कंपटीशन को जीतना था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किट के साथ थानू फा से मिलने हॉस्पिटल आया होता है। फा का आई साइट एकदम ब्लर हो चुका होता है, इस वजह से वो पहचान नहीं पाता कि उसके सामने खड़ा पर्सन किट नहीं थानू है। लेकिन थानू जब उसका नाम लेता है तो वो आवाज़ सुनकर पहचान जाता है कि उसके सामने खड़ा पर्सन थानू है। किट भी उसके साथ ही आया होता है। वायु की इतनी ख़राब हालत देखकर थानू उससे बोलता है कि क्या इस वजह से तुमने मुझे वायु का ख्याल रखने के लिए कहा था, इसीलिए तुमने वायु से ब्रेकअप कर लिया है ना, लेकिन तुमने वायु को ये सब क्यों नहीं बताया। इस पर फाव से कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वायु मुझे इस हालत में देखे। इस पर थानू उससे बोलता है कि लेकिन तुम्हें वायु को बीच में ही रोकते हुए फाव से कहता है कि मैं चुपचाप शांति से इस दुनिया से विदा होना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए आंसू बहाए। और तुम वायु के लिए बिल्कुल सही हो, हमेशा से ही मैं वायु के लिए मिस्टर राइट पर्सन नहीं था, लेकिन तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम उसके लिए मिस्टर राइट पर्सन हो। इस पर थानू उससे बोलता है कि अगर वायु को फ्यूचर में इस सब के बारे में पता चल गया तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा। तब फाउ उससे कहता है कि अगर फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति आती है तो तुम वायु को एक्सप्लेन कर देना कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर वो किट से बोलता है कि किट, मुझे थानू से अकेले में कुछ बात करनी है। किट बोलता है कि ओके, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इन दोनों के बीच में क्या बात होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है। फाई की नज़र सैंडी पर पड़ती है जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। वो उसे रोकते हुए बोलता है कि सैंडी रुको, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। सैंडी रुक जाता है। फाई उससे कहता है कि सैंडी अब भी देर नहीं हुई है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो और प्लीज़ वापस आ जाओ। सैंडी उससे कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ वापस करना है। फाई सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि क्या। सैंडी उससे कहता है कि थानू को। फाई शॉक्ड हो जाता है कि सैंडी ऐसा क्यों बोल रहा है। सैंडी उससे कहता है कि आज थानू तुम्हें चुनने वाला है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसा कि डेस्टिनी में लिखा था। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थानू ने वायु को अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट किया होता है। थानू फा से मिलकर आने के बाद वो बहुत ही खोया खोया सा लग रहा होता है। वायु उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बोलता है कि थानू आपकी फैमिली कुक तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। पर थानू अब भी अपने ख्यालों में कहीं गुम था। वायु उससे कहता है कि वैसे आप इतने बड़े घर में हमेशा अकेले खाना खाते हो, क्या आपको लोनली फील नहीं होता। थानू बोलता है कि होते हैं कभी कभी,
तब वायु बोलता है कि तो आप फिर अक्सर किसी न किसी को अपने साथ खाने पर बुला लिया करो। इस पर थानू नामे से हिलाता है। वायु कब से नोटिस कर रहा होता है कि थानू कहीं गुमसा है। वो फाइनली थानू से पूछ ही लेता है कि थानू क्या बात है। थानू बोलता है कि पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दोनों लंच करते हैं। उसके बाद थानू बैकयार्ड में आकर तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं वायु उसके लिए एप्पल को पील करके काट रहा होता है। थानू एक के बाद एक तीर चलाने के बाद भी टारगेट के बीच वाले सेंटर को हिट नहीं कर पा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो धनुष को साइड में रखकर वायु के पास आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही वो एप्पल खाने के लिए एप्पल को उठाने जाता है, वायु उसे रोक देता है और बोलता है कि आप रहने दो, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं आपको खिला देता हूँ। वायु थानू को फीड करता है। थानू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो फा वाली बात उसे कैसे बताए। वो वायु से बोलता है कि वायु, एक बार तीर चल जाए तो हम उसे रोक नहीं सकते। वो तीर हवा में तभी तक रहती है जब तक कि उसमें एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। अब वो टारगेट तक पहुँचे या ना पहुँचे, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। थानू इनडायरेक्टली फा के बारे में ही बोल रहा होता है, लेकिन वायु को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। वायु बोलता है कि थानू, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हो। यहाँ पर थानू वायु को सारी बातें बता देता है, लेकिन ये सीन यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता। यहाँ से सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि किट फा को व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर घुमाने ले आया होता है। फा किट से बोलता है कि तुमने मेरे लिए जितना कुछ भी किया है ना किट, उसका शुक्रिया अदा मैं शब्दों में कभी नहीं कर पाऊँगा। किट उससे बोलता है कि इतना सेंटी मत हो और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे बस यही चाहिए। वैसे आज सुबह तुम थानू से बात कर रहे थे तो तुमने थानू से क्या कहा? फा बोलता है कि नहीं बताऊंगा, ये मेरे और थानू के बीच का सीक्रेट है। किट बोलता है कि अरे मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थानू तुमसे फिर से मिलना चाहता है। फा बोलता है कि कब? किट बोलता है कि अभी। अचानक चलते चलते किट रुक जाता है। फा उससे पूछता है कि किट तुम रुक क्यों गए, क्या किट हमारा वेट कर रहा है? फा सामने देखता है, उसे सब कुछ एकदम धुंधला दिखाई दे रहा होता है। वो पहचान भी नहीं पाता कि उसके सामने कौन खड़ा है। फा बोलता है कि थानू तुम हो क्या? किट क्या ये थानू है? किट परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि फा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा विजन इतना ब्लर हो गया है। फ्रेंड्स, किट इसलिए परेशान था क्योंकि फा के सामने थानू नहीं वायु खड़ा था, जिसे फा थानू समझ रहा होता है। फा किट से बोलता है कि आई एम सॉरी किट, पिछले कुछ दिनों से मेरा विजन बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ। मुझे लगा कि कुछ दिन में मेरा विजन सही हो जाएगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से ठीक होने वाला है। वायु ये सारी बातें सुन रहा होता है। फा की ये हालत देखकर वो रोने लगता है। फा उसे थानू समझकर बोलता है कि ये थानू ही है ना? किट की समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। हालांकि वायु के साथ थानू भी आया होता है। फा वायु को ही थानू समझकर उससे बोलता है कि थानू वायु कैसा है? जैसा तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, प्लीज़ वायु का अच्छे से ख्याल रखना। वायु ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो रोने लगता है। वायु फा का हाथ थामकर उसके आगे घुटने के बल बैठ जाता है और वो बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। फा उसके फेस को टच करता है। वायु रोते हुए बोलता है कि फा। फा शॉक्ड हो जाता है। अचानक से वो वायु का आवाज़ सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है। वो बोलता है कि वायु क्या ये सच है कि तुम हो वायु? वायु रोते हुए हाँ में सिर हिलाता है। फा बोलता है कि नो नो नो, नहीं नहीं। वो वायु की आंखें अपने हाथों से ढकने लगता है और बोलता है कि किट तुम वायु को मेरे पास क्यों लेके आया हो? मैं नहीं चाहता कि वायु मुझे इस हाल में देखे। तभी थानू बोलता है कि फा किट को ब्लेम मत करो, वायु को यहाँ मैं लेकर आया हूँ। पता है फा, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके साथ बिताया गया हर पल खास होता है। तुम्हें इस खास पल को महसूस करना चाहिए फा, इस पल को सेलिब्रेट करो। ये बोलकर थानू किट के पास आ जाता है। किट थानू को डांटता है कि थानू ये तुमने क्या किया? फा ने आज तक इतनी मुश्किल से ये सब छिपाया था, उसने वायु को तुम्हें दे दिया ताकि तुम वायु का अच्छे से ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? थानू बोलता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि फा वायु से कितना ज़्यादा प्यार करता है और वायु के लिए मेरा भी प्यार उससे कम नहीं है। किट, हम दोनों ने अपना बेस्ट ट्राई किया है, इसलिए अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद को ब्लेम मत करना। अगर मिरेकल होते हैं तो देखना, फा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पहले की तरह अपनी लाइफ जिएगा। वायु का जो भी डिसीज़न होगा मैं उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ।
वहीं इधर फा वायु के चेहरे को अपने हाथों से थामे हुए था और ये दोनों एक दूसरे को देखकर रोए जा रहे थे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या थानू ने सही किया या थानू को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है। वायु और किट फा को हॉस्पिटल के बेड पर लाकर सुलाते हैं और इससे बोलते हैं कि वो फिर कल दोबारा उससे दोपहर को मिलने आएंगे। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। बाहर हॉल में बैठा थानू इनका वेट कर रहा होता है। इनके बाहर आते ही थानू वायु से बोलता है कि वायु, क्या तुम अब वापस घर जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वायु बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मार्क के पास जाना है। फिर वो किट से बोलता है कि किट, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? किट पहले थानू की तरफ देखता है, फिर बोलता है कि हाँ चलो। वायु थानू से बोलता है कि थानू, पहले आप घर चले जाओ। थानू चला जाता है। वायु को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो किट से बोलता है कि किट, मुझे अब क्या करना चाहिए? किट बोलता है कि अगर फा के बेस्ट फ्रेंड होने के नाते बोलूँ तो आई थिंक तुम्हें फा को एक और चांस देना चाहिए, और थानू का जूनियर होने के नाते बोलूँ तो तुम्हें थानू को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तुम ज़िंदगी में अकेले पड़ गए थे, लो फील कर रहे थे, तब थानू ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें संभाला और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हें सहारा दिया। मैं समझ सकता हूँ वायु कि तुम अभी किस कश्मकश में हो, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। वायु बोलता है कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को चुनता हूँ तो दूसरे वाले को बुरा लगेगा, मैं नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे। किट बोलता है कि अभी तुम ये मत सोचो कि क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तुम अपने दिल की सुनो। वायु बोलता है कि लेकिन मैं फा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं फा को इनकरेज करता हूँ तो शायद उसकी हालत में सुधार होगा और हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। ऐसा करने से अगर मैं किसी की जान बचा पाता हूँ तो मुझे यही करना चाहिए। किट भी उसकी बातों से एग्री करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है। दोपहर को किट कंप्यूटर पर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, तभी थानू वहाँ आकर उसे कुछ पेपर देते हुए बोलता है कि शायद इस इन्फॉर्मेशन से तुम्हें कुछ मदद मिल सके। वैसे किट, वायु कैसा है? कल के बाद से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। किट उससे बोलता है कि आज वायु फा से मिलने जाएगा, मैं अभी वहीं ये सब लेकर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चल सकते हो। थानू बोलता है कि नहीं, बेहतर होगा कि मैं अभी ना जाऊँ, फा से कहना कि मैं फ्री होकर उससे मिलने आऊँगा। किट बोलता है कि ओके। सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। वायु और किट फा से मिलने आए होते हैं। फा उस वक्त सो रहा होता है। इनके बीच यहाँ पर कुछ भी बात नहीं होती। इसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है। रात को किट अपने घर जाने के लिए कार से बाहर उतरता है। फा को कैसे भी बचाना चाहता था किट, इसलिए वो ये सब सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। किट घर पहुंचकर दरवाज़ा खोलकर देखता है कि मार्क ने टेबल पर उसके लिए खाना लगा रखा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। मार्क उस वक्त शावर ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो ड्रेसअप होकर वहाँ पर आता है और बोलता है कि किट, फाइनली तुम घर आ गए। किट उससे बोलता है कि आई एम सॉरी मार्क कि तुम्हें पिछले कुछ दिनों से मेरे बिना अकेले खाना खाना पड़ रहा है। मार्क उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, आई नो कि तुम अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो। किट उसे समझने के लिए थैंक्स कहता है। मार्क उससे कहता है कि तुम्हें तो भूख लगी होगी ना, क्या तुमने खाना खाया? नहीं खाया होगा ना, चलो बैठो मैं अभी खाना गर्म करके लाता हूँ। किट उससे बोलता है कि नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूँगा, तुम सोने जा रहे थे ना, जाओ सो जाओ। मार्क उससे कहता है कि हाँ कल सुबह मेरा प्रेजेंटेशन है। किट उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, जाकर सो जाओ, गुड नाइट। मार्क क्यूट अंदाज में बोलता है कि क्या तुम मुझे बेड तक ले चलोगे? किट बोलता है कि ओहो बस भी करो, जाओ सो जाओ। लेकिन फिर मार्क का क्यूट सा फेस देखकर वो उसे बेडरूम तक ले आता है और बिस्तर हटाकर उसे लिटा भी देता है। फिर उससे पूछता है कि अब ठीक है? मार्क बोलता है कि हाँ, और वो उसे अपने लेफ्ट चिक पर किस करने के लिए बोलता है। किट उसे किस करता है, फिर मार्क अपने राइट चिक पर किस मांगता है, फिर अपने नेक पर, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। बेचारा किट उसे किस किए जा रहा था, लेकिन इतने किस मिलने के बाद भी उसका मन नहीं भरता तो वो अपने लिप्स पर किस मांगता है। किट बोलता है कि बस बस हो गया, अब सो जाओ। मार्क किट से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ किट, क्या तुम मुझे एक और किस नहीं दे सकते? किट उससे कहता है कि चुपचाप सो जाओ। तो मार्क बेचारा और क्या कर सकता था, वो कहता है ठीक है, फिर वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। तो किट को उस पर दया आ जाती है, फिर वो उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है। मार्क अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कि किट प्लीज़ मुझे एक और किस दो ना, नहीं दे सकते। किट को हंसी आ जाती है, वो बोलता है कि मार्क अब बस भी करो, सो जाओ। मार्क बोलता है ठीक है, लेकिन तुम भी देर तक मत जागना, जल्दी सो जाना, ओके? किट बोलता है कि मार्क बोलता है कि तुम मुझे ये करके मत बोला करो, ये मुझे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगता।
इस पर केट उससे बोलता है कि ओके माय बेबी। मार्क खुश हो जाता है और फिर वो सो जाता है। इसके बाद किट शावर लेने चला जाता है। फिर उसके बाद वो आकर लैपटॉप पर फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है। लैपटॉप बंद करके वो जैसे ही जाने वाला होता है तभी उसे एक मेल आता है। किट उसे जब पढ़ता है तो खुश हो जाता है। वो मार्क को जल्दी से जगाता है और बताता है कि मार्क उठो ना, ये देखो। मार्क की नींद खुल जाती है, वो उठ जाता है और किट से पूछता है कि क्या हुआ। किट की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आता है और उसे बताता है कि मार्क ये देखो, फाके ठीक होने की अभी भी उम्मीद की जा सकती है। देखो मुझे उन्होंने मेल किया है। मार्क किट के लिए बहुत खुश होता है और बोलता है कि वाओ किट, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो, तुमने कर दिखाया। बताओ ना क्या लिखा है इसमें, ट्रांसलेट करो मेरे लिए। किट उसे पढ़कर उसे बताता है कि उन्होंने लिखा है कि उन्हें मेरी भेजी हुई इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने मेरे पर्सपेक्टिव को देखा। वो इस बात से एग्री करते हैं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए मुझे थैंक्स भी बोला है। मार्क बोलता है कि और यहाँ पर आगे क्या लिखा है। किट जब आगे की उस लाइन को पढ़ता है तो उसका चेहरा उतर जाता है। मार्क उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या लिखा है। किट बहाना बना देता है कि ये फाके बीमारी के बारे में नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। मार्क खुश होता है कि किट ने कर दिखाया। वो उसे बोलता है कि तब तो हमें फाको कल ये जाकर गुड न्यूज़ देना चाहिए। किट तुम अमेजिंग हो। मार्क उसे किस करने लगता है और उसे गले से लगा लेता है। किट बोलता है कि उन्होंने फाको भी ये ईमेल सेंड किया होगा, मैं बाद में फाके साथ इस बारे में डिस्कस करूँगा। मार्क किट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो उससे बार बार बोल रहा होता है कि किट तुम बहुत ही अमेजिंग हो। लेकिन किट के चेहरे पर अब वो एक्साइटमेंट नहीं थी। उस ईमेल को पढ़ने के बाद उसका पूरा चेहरा उतर गया था। उस ईमेल में आगे क्या लिखा था जिसे देखकर किट के होश उड़ गए। किट ने वो बात मार्क को क्यों नहीं बताई, जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।